रामपुर के बारे में पढ़ाई करते समय मुझे समझ में आया कि रैडिको खैतान की फ्लैगशिप ब्रांड थी 8PM। फ्लैगशिप ब्रांड वो होती है जिसकी वजह से कोई भी ब्रांड जानी जाती है। 8PM वैसे ही थी रैडिको के लिए। मैंने ये भी जाना कि 1999 में इसको लॉन्च किया अभिषेक खैतान ने, जो ललित खैतान के बेटे हैं। इंटरेस्टिंगली अभिषेक खैतान एक इंजीनियर हैं BMS कॉलेज बैंगलोर से। अगर आप जानते हैं उनको तो कमेंट कीजिएगा। उन्होंने लॉन्च की ये विस्की, उस ज़माने में बहुत फेमस हुई। ये विस्की ने एक ही साल में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज किया, क्योंकि दे वर एबल टू सेल अबाउट 1 मिलियन केसेस। मजाक नहीं है, पहली बार कोई भी वाइन इंडस्ट्री लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंट्री मारी थी। फिर मुझे याद आया कि भाई ये तो वही साल था जिस साल मैंने विस्की पी थी। 2000 की बात है, एक एक करके सारे मित्र विस्की पी रहे थे और शान में घूम रहे थे उधर उधर, और मैं बेचारा घर में बैठा सोच रहा था कि मैं कब पीऊँगा। पिताजी हमारे खड़ूस थे, हैं अकाउंट मैनेजर हैं, तो हर चीज़ का उनको हिसाब देना पड़ता है। बाप मेरा इस चीज़ों पे पैसे नहीं देगा, मुझे मालूम था। मैं अब इंतज़ार कर रहा था कि कब कोई मेरा रिश्तेदार आएगा और मुझे कुछ पैसे दे के जाएगा। कौन? मामा। मामा आए हमारे घर पे, आए 1000 रुपये का खाए और 500 रुपये दे के चले गए। फिर क्या था, फिर मुझे बस एक ही काम करना था, असेंशियल्स ढूंढने थे। मैंने अपना इमीडिएट नेबरहुड क्रॉस किया, जो कि हमारा 4 किलोमीटर का था। हर छोटे शहर में नेबरहुड 4 किलोमीटर का ही होता है। चाहे आप किसी को जाने ना जाने, हर आदमी आपको जानता है। शर्मा का बेटा क्या कर रहा था, कहाँ कर रहा था, किसके साथ कर रहा था, क्यों कर रहा था, कब कर रहा था, सब जानते हैं दुनिया। तो मैं गया 4 किलोमीटर दूर एक ठेके पे। अब जाके वहां पर मैं सोचा था कि लूं क्या, पैसे तो थे हाथ में। मैंने अपना शेल्फ देखा, अपना नहीं दुकानदार का शेल्फ देखा, और सबसे आसान लगा मुझे 8PM बोलना, क्योंकि स्टाइल तो मैंने छोड़ना नहीं था। एकदम अकड़ में बोला, भाई एक 8PM दे। उसने मेरे को 8PM दी। 8PM मैं ले तो आया। अब सवाल ये था कि इसको पीते कैसे। रूह अफ़ज़ा की बॉटल तो है नहीं कि पीछे लगे लिखा हुआ होगा कि क्या मिलाना है और कितना मिलाना है। मैंने अपनी गाड़ी दौड़ाई, और हाल फिलहाल में एक दोस्त था मेरा जिसने एक हफ्ते पहले ही काफ़ी सारी पी थी, काफ़ी डिंगे मारी थी और उससे ज़्यादा उल्टियाँ मारी थी, बट वो था मेरा मित्र आज की शाम के लिए। मैं उसके पास गया, मैंने बोला विस्की, उसने बोला सोडा। फिर हम दोनों गए दुकान पे, सोडा खरीदे और मेरे घर पे आए। मेरे माँ बाप और मेरी दीदी गई हुई थी बाहर किसी की बर्थडे पार्टी पे। बेस्ट माहौल था, 8PM बज रहा था। हम दोनों ने हल्के हल्के पीना शुरू की। वो बंदा वेटरन था, 3 दिन पुराना, और मैं एकदम नया नया। उसने अपने आप को 2-2 पेग डाले, मेरे को 1-1 डाले, और बहुत जल्दी पूरी बॉटल ख़त्म होने वाली थी। और बीच में लड़का बोलने लगा, भाई चढ़ रही है मस्त वाली। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चढ़ना क्या होता है, अपने तो पहले पी नहीं है, बट पैसे मेरे थे, चढ़नी मुझे चाहिए थी। मैंने बोला हाँ यार बहुत चढ़ रही है। मज़ा आ गया था मेरे को भी। अब बात यह थी कि ये बॉटल फेंकनी कहाँ पर है। अगर मैं रखूँ उसको डस्टबिन में, मेरे पापा सच्चे वाले वेटरन थे, उनको पता है कि बॉटल कैसे होती है, इतने जूते पड़ते ना फ्री वाले। फिर हमने सोचा चलो इसको कहीं फेंक के आते हैं। मेरे दोस्त के घर के बाजू में एक नाला था, हम दोनों ने अपनी गाड़ी उठाई। मेरा दोस्त बोला मैं चलाऊंगा भाई। मैंने कहा ठीक है तू ही चला ले। वो चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। हम उसी घर की तरफ जा रहे थे, सामने से एक बुजुर्ग आए गाड़ी में। हम उसको क्रॉस ही कर रहे थे कि मेरा दोस्त बोला कौन पागल बुड्ढा है बे। मैंने बोला भाई तेरा बाप है। उसने मुझे समझ में आया कि ये चीज़ जब आपके अंदर जाती है तो पैदा करने वाला बाप भी आपको पागल बुड्ढा दिखता है। सीखा मैंने उस दिन। फिर हमने वो बॉटल फेंकी और मेरी जर्नी शुरू हो गई विस्की के साथ। 2000 में ही इसने किए थे 1 मिलियन केसेस और मैंने कंट्रीब्यूट किया था। उस ज़माने में ये विस्की बहुत बढ़िया थी, बहुत प्यारी थी। आज इसका क्या हाल है मुझे पता नहीं, कोशिश करेंगे देखेंगे इस एनालिसिस में। प्राइस 1999 में जब ये लॉन्च हुई थी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था। वाजपेयी साहब ने पहली बार जर्नी की थी, पाकिस्तान चले गए थे बस में हाथ मिलाने के लिए उन लोगों के साथ। फिर वाजपेयी साहब की सरकार गिरी, फिर से बाद में बनी, बीच में मई टू जुलाई में कारगिल का वॉर हुआ जो हमने जीता, और उसी दौरान इन्होंने भी अपनी मार्केटिंग की। सरहद के पार 2 जनरल खड़े हुए हैं, वॉर शुरू होने वाला है, और एक जनरल दूसरे को बोलता है कुछ हो जाए।
इनका जो कैंपेन शुरू हुआ था उस समय ये था कि हर शाम की शुरुआत, वही इन्होंने उस समय किया भी, हर शाम की शुरुआत एक मिडिल क्लास आदमी को 8 बजे का एक रिलैक्सेशन मिलता है, वो उन्होंने प्रोवाइड किया इससे। आपको याद है ना आईपीएल भी 8 बजे शुरू होता था। एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसान है जिनको 8 PM बहुत पसंद है, गेस कर सकते हैं कि आप, बताऊंगा मैं आगे। इसका प्राइस जहां पर मैं रहता हूं वहां पर इसका प्राइस है 359। बॉटल जो है प्लास्टिक की है, सस्ती है, देखते हैं इसका प्राइस जस्टिफाइबल है या नहीं, बट एक सामान्य इंसान के लिए बहुत ही अफोर्डेबल रेंज पे है। हर कोई विस्की महंगी नहीं होती। मैंने आपको रामपुर दिखाई थी 5,000 की, उसके पहले मैंने ग्रे गूस दिखाई थी। हर कोई विस्की को या हर कोई अल्कोहल को महंगा होना ज़रूरी नहीं है। इसका टेस्ट और इसका आफ्टर इफेक्ट डिफाइन करेगा कि ये सही दाम है कि नहीं। टेस्ट करने से पहले इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है डीमिनरलाइज्ड वाटर, स्पिरिट्स न्यूट्रल, इंडियन मैच्योर माल्ट, इंपोर्टेड ब्रांडेड माल्ट एंड नेचुरल कलर्स अलॉन्ग विद परमिटेड विस्की सब्सटेंसेस। तो जैसे हमारी स्टैंडर्ड एक इंडियन विस्की होती है मोलासिस के साथ विद एडिड कलर्स विद एडिड फ्लेवर्स, वही विस्की है। मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा ओल्ड टैवर्न के साथ जिसका मैंने पहले रिव्यू किया था। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि ये नहीं बोलती है कि इसके अंदर इंडियन मॉल्ट एंड इंपोर्टेड ब्लेंडेड मॉल्ट है। और ये थी 300 रुपये की, ये 350 रुपये की, ये 50 रुपये का फ़र्क है इन दोनों में, बट इसमें मॉल्ट है ये क्लेम कर रहे हैं। रैडिको के प्रोडक्ट जनरली पायलट पे अच्छे होते हैं, मेरा भी वही अनुमान है कि वैसे ही होगी। ट्राई करेंगे, बड़ी आसानी से खुल गई। थोड़ा पोर करेंगे हमेशा की तरह, देख कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ना करें, बहुत लोग बोलते हैं कि आप ज़्यादा डाल देते हैं। चलिए, तो अगर रंग देखा जाए, आप अगर इसका रंग देख पा रहे हैं वहाँ से, तो वही एक जो एडिड कलर विस्की का होता है कैरमलाइज का, हल्का हल्का ब्राउन सा, वही इसका कलर भी है। बॉडी की क्या बात करनी है, 350 रुपये की विस्की में बॉडी। एक्चुअली ये हार्श उतनी हार्श नहीं जितनी ओल्ड टैवर्न थी। आप अगर आपने ओल्ड टैवर्न का वीडियो देखा था तो मैं काफ़ी समय तक उसको सूंघ नहीं पा रहा था। ये उतनी ख़राब नहीं है, है इसमें अच्छा है इसमें थोड़ा थोड़ा स्पिरिट आ रहा है, बट उतनी खराब नहीं, खराब नहीं, उतनी स्पिरिट नहीं है जितनी ओल्ड ड्रैगन थी। हल्का सा एक फ्रूटी 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 सा फ्लेवर है। ये सब एडिशनल फ्लेवर्स की बात है, जो डालते हैं वही आता है। मुझे रैडिको की एक बात ये अच्छी लगती है कि चाहे उनकी सबसे महंगी विस्की हो या सबसे सस्ती विस्की हो, वो एक पैलेट को सूथिंग सा, एक नोज को सुंदर सा एक फ्लेवर देते हैं, जो एक अच्छा काम करते हैं। मैकडोवल्स मेरे हिसाब से वो नहीं कर पाता है। टेस्ट करें, मैं डेयर मार रहा हूँ इसको नीट पीने का। टिप ऑफ द टंग में ये थोड़ी स्वीट सी है, जैसे ही अंदर जाती है मुंह में तो हल्का हल्का सा यहाँ पर पीछे एक स्पिरिट छोड़ती है और फिर सड़क बर्स्ट होता है नाक के अंदर। नाक खराब है तो कृपया पीजिएगा, इमीडिएटली खुल जाएगी नाक भी और दिमाग भी। फिर से कोशिश। थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर। मां कसम ये सब विस्की बनती इसलिए है कि आदमी को लगे कि आदमी मर्द है, कि आज मैंने कोई तूफानी काम किया है। उफ, मैं बता रहा हूं कि ये विस्की वही लोग पी सकते हैं जिनके पास या पैसे ना, अच्छा एक्चुअली एक ही आदमी पी सकता है कि पैसे ना हो। पैसे होने वाला आदमी क्यों पिएगा, या तो गरीब मजदूर पिएगा या तो हम जैसे उस जमाने के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पिएंगे। थोड़ा फिर से टेस्ट कर दें। अब ठीक है, थोड़ा पानी के डालने के बाद ये विस्की ठीक हुई। मेरे ख्याल से जो यहाँ पर हमारा इंडियन कंज्यूमर होते हैं जो सोडा के साथ या लिमका के साथ, स्प्राइट के साथ, कोका कोला, थम्सअप के सब डाल के पीते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बोलना चाहूँगा कि मैकडॉनल्ड्स का जो प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट से ये काफ़ी
बेटर है। मैंने बोला था कि ओल्ड ट्रायन की वीडियो में मेकर्स को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ अगर आप कुछ बना रहे हैं एक नीचे वर्क के लिए तो उसके लिए उन लोगों के लिए अच्छा कुछ प्रोडक्ट बनाइए। रेडिको ये काम करता है, मैं उनको इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा। टेस्ट में इतना ही। आफ्टर इफेक्ट्स की बात, ध्यान ये देना चाहिए कि ये बिस्की एक नियमित वर्ग के लिए ही बनाई गई है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन बिस्की कंज्यूम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन्होंने लिखा तो है कि रेयर ब्लेंड ऑफ इंडियन विस्की एंड माल्ट्स, आई एम नॉट श्योर बट लेट अस गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं तो माल्ट है, प्योरली मोलासेस से नहीं बनी है। बाकी आफ्टर इफेक्ट्स में ऐसा है कि मैंने ये प्रोडक्ट पिया हुआ, जैसे मुझे याद है कि बचपन में पिया हुआ है, अपने दोस्तों ने बहुत नाचा भी हुआ है इस पर, तो इसका इफेक्ट तो वैसा ही रहेगा कि आपको अच्छे से चढ़ेगी। पीजिए 3 पैग 4 पैग से ऊपर मत सेवन करिएगा इसका, कहीं ऐसा ना हो कि इनको अमीर बनाते बनाते आप गरीब ना हो जाएं। आफ्टर इफेक्ट्स में सर दर्द और हैंगओवर गारंटीड। कोशिश करेगा कि अपनी क्षमता में ही पीजिए। कंक्लूजन, ट्रिनिटी टेस्ट लोअर सेगमेंट की एक विस्की है, प्राइस इसका बढ़िया है तो उसके लिए एक थम्स अप। टेस्ट बुरा नहीं है, बुरा इसलिए नहीं है कि हाँ इसमें स्पिरिट्स ज़्यादा हैं, आपको अल्कोहल का एक बर्स्ट आता है, फिर भी इन्होंने जो फ्लेवरिंग सब्सटेंस डाले हैं वो अच्छे डाले हैं। हल्का हल्का स्वीटनेस है, हल्का हल्का फ्रूटी फ्लेवर है और काफ़ी सारी स्पिरिट है। आफ्टर इफेक्ट्स में ब्लेंड है, आप ब्लेंड से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आप 3-4 पियेंगे तो आपकी क्षमता से ऊपर हो जाएगी और क्षमता के ऊपर होने के बाद नॉर्मली जो होता है सर दर्द, हैंगओवर और वर्स्ट केस में उल्टियाँ, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। तो टेस्ट के लिए थम्स अप दे सकता हूँ बट आफ्टर इफेक्ट्स के लिए थम्स डाउन। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको एक पीएम जैसी विस्की पसंद है तो कोशिश करिएगा, इस वर्ग में ये अच्छी है। और अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली उन्होंने एक और इसमें लॉन्च किया है 8 PM प्रीमियम ब्लैक, और उसका ब्रांड एम्बेसडर है हमारे जैकी का बेटा टाइगर। मैं ढूंढ रहा हूँ उस विस्की को भी, जिस दिन मिलेगी उसका भी रिव्यू करूँगा। होपफुली इससे काफ़ी बढ़िया टेस्ट और उसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। 8 PM मैं जितना समझता हूँ कि काफ़ी लोगों ने इसको अपनी छोटी उम्र में पिया है, बट सब बासी रेट में मुकर जाते हैं कि नहीं नहीं 8 PM तो ख़राब है, 8 PM तो ये है वो है। मेरा भी थोड़ा थोड़ा बचपना इसमें गया था, जो 2-3 पड़ाव बचे थे फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, उसमें ये भी थी एक 8 PM मेरे को एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए मेरी जवानी की तरफ। तो हैव अ गुड डे एंड लेट्स मीट अगेन।